ने कुछ 2 दिन पहले दिखाया था कि नीतीश कुमार एनडीए में आने वाले हैं। अब नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री बिल्कुल तय और पक्की, ये बिल्कुल पक्की हो चुकी है, क्योंकि लालू गठबंधन समर्थकों और लालू विरोधी गुट के बीच में सीधा सीधा टक्कर हो रहा है। अशोक चौधरी, ये कौन है? एक वरिष्ठ नेता। ललन सिंह, ये भी एक वरिष्ठ नेता। ललन सिंह कौन है? ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार अपनी तेजस्वी पार्टी के साथ गठबंधन में रहें। और अशोक चौधरी कौन है? ये चाहते हैं कि उस गठबंधन से ये निकलें, जितना जल्दी निकलें उतना ही अच्छा है। तो अशोक चौधरी हैं जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार उस गठबंधन से निकल जाएं, तेजस्वी पार्टी के गठबंधन से निकल जाएं। और ललन सिंह ये चाहते हैं कि ये कभी बीजेपी में न आए, ये हमेशा ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी पार्टी यादव के पार्टी से गठबंधन बनाए रखें। इनमें सीधा टक्कर, हालांकि रिपोर्ट कुछ और है, यह दूसरे किसी बात में हो रहा था। ये उन्होंने कहा आप जमुई क्यों जाते हैं, उन्होंने कहा हम जमुई जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं, आपसे क्या मतलब, हम तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर जाते हैं। ये वाद विवाद अलग बात है, लेकिन सीधा टक्कर उस बात पर नहीं है। सीधा टक्कर ये इनसाइड स्टोरी यही है कि इस पर है कि वह किस गुट में शामिल होंगे, वह क्या अभी जो है गठबंधन उसमें रहेंगे या उससे निकलकर मोदी जी के शरण में आएंगे, यही वाद विवाद चल रहा है। और जब ये वाद विवाद चल रहा था, इनके बीच में झगड़ा हो रहा था, तो क्या हुआ? नीतीश कुमार बिल्कुल मूक दर्शक बने रहे, मूक दर्शक, कुछ भी नहीं बोला, ये झगड़ते रहे उनके सामने ही, उन्हीं के सामने झगड़ते रहे और यह तमाशा देखते रहे, क्योंकि यह सोच रहे थे कि भाई मुझे तो मोदी जी के शरण में जाना है, चलिए इस विवाद का आनंद उठाते हैं, उनको जो करना है करने दो, मैंने तो तय कर लिया कि मुझे मोदी जी के शरण में जाना है। उसके पहले उन्होंने फीलर दे दिया, देवीलाल की जगह कहाँ गए? दीन पंडित दीन दयाल उपाध्याय के प्रोग्राम में, और उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी को प्रोग्राम में। और वैसे भी लास्ट जो कुछ मीटिंग है वहाँ, जो डॉट 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 अलायंस का मीटिंग है, वहाँ नीतीश कुमार जी का कंट्रीब्यूशन 0 है। वैसे ही उससे अलग हो चुके हैं, पहले तो बहुत उछल उछल कर घूम घूम कर लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, अब वो वहाँ से हट चुके हैं और वहाँ नहीं है। तो अब इनका एक ही है, अगर इनके राजनीतिक करियर थोड़ी भी बची है तो वह मोदी जी के शरण में, इसलिए वो मोदी जी के शरण में आना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी क्या करेंगे? लेकिन इसके पहले वहीं के बिहार के एक वरिष्ठ बीजेपी नेता पारस जी ने कहा कि नीतीश जी का स्वागत है एनडीए में, अगर नीतीश जी का स्वागत है तो फिर इन्हें एडजस्ट कर कहीं करना पड़ेगा। वो तो बिहार में अपना बीजेपी का गवर्नमेंट बना लेंगे, बिहार में बीजेपी का सरकार बन जाएगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा, लेकिन इसको क्या करें, इसको कहाँ एडजस्ट करें, यह तो किसी भी काम के लायक नहीं है। इनके लायक कोई काम अभी तक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, आज तक ऐसा कोई काम दुनिया में आविष्कार नहीं हुआ जिसके लिए नीतीश कुमार उपयुक्त हो। तब इनको क्या कहाँ एडजस्ट करें, यही अब बीजेपी का सरदर्द है। लेकिन ये तो मन बना चुके हैं कि इनको मोदी जी के शरण में जाना है और इनका एनडीए में एंट्री पक्का है, और ये लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी के पार्टी से गठबंधन से अलग होने वाले हैं और आने वाले हैं। हालांकि इनकी बात पर छोड़िए, इन्होंने कहा था हम मर जाएंगे लेकिन एनडीए में नहीं जाएंगे, तो ये तो वैसे बकवास करते रहते, इनका कोई भरोसा नहीं है क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। तो इनका एनडीए में जाना तय है। अब इंडिया एनडीए माथापच्ची कर रही है, भाई इसको कहाँ फिट करें, ये तो किसी भी लायक नहीं है, कहाँ फिट करें कहाँ पर। ये कहेंगे चंद्रयान, तो कहेंगे हाँ हाँ चंद्रयान कोई नया पार्टी है ना, डॉट डॉट अलायंस का, हमें क्यों पता नहीं है, हमें कन्वीनर नहीं बनाया। तो ये इस तरह कहें, पुल टूटता है तो बोलते हैं अरे पुल बनाओगे तो टूटेगा, तो ये इस तरह के व्यक्ति को क्या करेंगे क्या। ये बजट पढ़ते हैं तो 2 साल का पुराना बजट ही पढ़ देते हैं, क्योंकि उनको बिहार में क्या क्या जिला यही पता नहीं है, तो इसको लेकर कहाँ एडजस्ट करेंगे, ये मोदी जी का सरदर्द है। लेकिन ये तो मन बना चुके हैं कि मुझे यहाँ न गठबंधन में कोई फ्यूचर है और न डॉट 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 अलायंस में कि फ्यूचर है, इसका भविष्य है ही नहीं। अगर कुछ भविष्य बचा भी है तो
तो वह सिर्फ मोदी जी के शरण में, इसलिए ये मन बना चुके हैं कि ये मोदी जी के शरण में आने वाले हैं। और बिहार के बीजेपी के वरिष्ठ नेता इनका स्वागत भी कर चुके हैं, तो इनका एनडीए में एंट्री तय है। और बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में, बीजेपी के मुख्यमंत्री में सरकार बहुत जल्द बनने वाला है। इसके अंदर खाने बहुत चर्चा हो रही है और फॉर्मेलिटीज बाकी है, और बिहार में बहुत ही जल्द बीजेपी एक गवर्नमेंट बनाएगी बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ। हम फिर आएंगे और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।